कभी कभार ऐसी क्या सीक्रेट फ्रेंडशिप है बेबी के साथ? क्या हरकत है पूजा यार, क्या किया है ना या कुछ और है? मेरी बहनों ने, मेरे भाई ने, फ्रेंड्स ने, सबने देख लिया होगा, क्या सोचे होंगे मेरे बारे में और आपके बारे में? दिमाग में खराब कर मार दूंगा अभी मैं, बार बार हाथ उठाएगी तो। क्यों बार बार हाथ क्यों उठा रही है? तो हाथ क्यों उठा रही है? भूल जाते हो शादीशुदा हो, बेटी है, भूल जाते हो क्या? सो वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप के सब मस्त होंगे। टाइटल पढ़ के आपको पता चल ही गया होगा कि प्रैंक इस बारे में, तो अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि पूजा अपने फ्रेंड के घर पे, ऑफिस छूटने के बाद डायरेक्ट वहाँ पे फ्रेंड के घर पे गई, पता नहीं वहाँ पे किसी का बर्थडे है तो वो अटेंड करने गई है। तो ये प्रैंक को अंजाम कैसे दूंगा वो दिखाता हूँ मैं पटापट, चलो। सो दोस्तों, मैंने अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग ऑन किया है, अभी पटापट जाता हूँ व्हाट्सएप पे एक प्यारी सी लड़की का स्टेटस रखने, जिसे देख पूजा की जलने वाली है। तो मैं पटापट गया स्टेटस में जाने के बाद एक लड़की का फ़ोटो है जो मस्त वाली एक फ़ोटो है। यहाँ पे लिख देता हूँ हैप्पी बर्थडे, क्या लिखूँ, बेबी जानू सोना मोना बेबी, और एक कुछ इमोजीज लगा देता हूँ, एकदम एक हार्ट लगा देता हूँ, मज़ा आएगा। और पूजा को मैंने ऑलरेडी इंक्लूड करके रखा हुआ है, क्योंकि अपने को दिखाना उसी को है। तो पटापट इसको सेट कर देते हैं और वेट करते पूजा का, इसे देखने का। इसको देखने के बाद जो उसके रिएक्शन निकलेंगे मज़ा आएगा। जो हो जा आहा, जस्ट नाउ। चलो दोस्तों, थोड़ी और वेट करते, देख लेगी कुछ देर बाद जब उसको टाइम मिलेगा, क्योंकि वो अभी अपने फ्रेंड के पास है, देखते कितना टाइम लगता है। चलो वेट करना पड़ेगा। ए फ्यू मिनट्स लेटर। सो दोस्तों, फाइनली 25 मिनट बाद पूजा ने स्टेटस सीन कर लिया, अब आएगा मज़ा। अब वेट करते उसका आने का, 9:30 बज चुके रात के, आ ही रही होगी, आते आते चेक किया होगा। तो वेट करते उसके आने का, आने के बाद कलेश होने वाला है घर पे, कलेश, मज़ा आएगा देखने, चलो। सो दोस्तों, पूजा को फ़ोन किया मैंने, अभी अभी पूजा आ ही रही है, 5-10 मिनट में पहुंच जाएगी। स्टेटस डिलीट कर दिया मैंने, बड़े गुस्से में थी, फटाफट कैमरा लगा के यहाँ पे लेट जाता हूँ, मज़ा आएगा। आते ही मेरे ऊपर बरस पड़ने वाली है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, और मारती बहुत मारती है। चलो फटाफट कैमरा लगा देता हूँ और मजा लेते हैं, चलो। One hour later! खुद का फोन है ना, स्टेटस क्या रखा था, क्या रखा था? कौन है ये बेबी? कौन बेबी? बेबी कौन है वो जिसका फोटो रखा था हैप्पी बर्थडे बेबी? अच्छा, वो बेबी नहीं, एक्चुअली बबीता नाम था उसको, हम लोग पैसे बबी बोलते, तो वो ऑटो करेक्शन में बेबी हुआ था। झूठ मत बोलो। अरे झूठ क्यों बोलूं यार मैं, आपने लिखा था वो बेबी, आपने नहीं लिखा था, सच बोलो। ऑटो करेक्शन में हुआ था, पास दिमाग मत खराब करे। फिर ठीक नहीं कर सकते थे क्या? हा? मैंने देखा नहीं। लेकिन है कौन वो बताओ ना। मेरी फ्रेंड। कौन सी फ्रेंड? फ्रेंड है मेरी। कौन सी फ्रेंड? अभी तुझे क्या, मैंने तो कभी नहीं देखा उस फ्रेंड को। ठीक से पूछा मुझे, मैंने कभी नहीं देखा उस फ्रेंड को। अच्छा, ऐसे कैसे आ गई फ्रेंड? तो जरूरी है क्या सारे फ्रेंड तेरे को दिखाऊं? मैं तेरे को दिखा के फ्रेंडशिप करूं क्या? अरे मेरे को आपके सारे फ्रेंड्स पता है। नहीं पता, कुछ कुछ फ्रेंड्स नहीं पता, कुछ कुछ है ना सीक्रेट फ्रेंड होते हैं, उनके बारे में तेरे को नहीं पता, कभी कभार मिले। ऐसी क्या सीक्रेट फ्रेंडशिप है बेबी के साथ? सॉरी बबी के साथ। क्या ऐसी सीक्रेट फ्रेंडशिप है आपकी? आप बोल। अरे मुझे भी रखा था हार्ट वाला, बोलो वो भी गलती से रख दिया। हाँ, फ्रेंड के लिए कोई हार्ट वाला इमोजी रखता है क्या? दिमाग मत खराब कर, चिल्ला मेरा पूजा करो क्या? दिमाग मत खराब कर, हाथ मत उठा। क्यों ना उठाऊं? क्या नाटक है आपका? आप मेरे पीठ पीछे सब गुल खिला रहे हो, मैं आपकी आरती उतारूं आपको हाथ ना लगाऊं? इतनी रात को तू क्या बेशर्म जैसी हरकत है ये? अबे तेरा दिमाग क्या कुछ खाने गया है क्या? गोबर खाने गया है क्या? इतना क्यों भड़क रही है तू? वो हो जाता है मतलब, वो बेबी है तो मैं कौन हूँ? ये तो टट्टी है। हाँ, मैं कौन हूँ? तू भी बेबी है। अच्छा, दोनों बेबी? तू ही बेबी है। अच्छा, अरे मैं भी बेबी हूँ। अरे कौन चाहिए? तू ही बेबी है बोल रहा। दिमाग मत खराब करो, ऐसे सब नाटक नहीं चलेगा। क्या हरकत है पूजा यार, क्या किया? कुछ और फ्रेंड ऑटो करेक्शन में हुआ ना हुआ? ऑटो करेक्शन ठीक नहीं कर सकते थे क्या?
नहीं दिखा रहे, मुझे लगा मैंने जो लिखा वही वहां पे आया होगा, लेकिन वो बाद में किसी और से दोस्तों से पता चले बेबी को ने, तो मैंने डिलीट कर दिया। तब तक तुझे देख चुकी थी, तेरी गलत फ्रेंडी हो गई यार पूजा। और वो हार्ट बीट तो फ्रेंडशिप में भी तो अपन दे देते ना यार, वो कौन सा रियल वाला हार्ट है कि जाके दे दिया उसको, इमोजे तो है इतना, क्या ओवर रिएक्ट कर, कितना इनोसेंट बनते हो, कितना इनोसेंट, इतना ओवर रिएक्ट कर रही है पूजा। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, एक तो इतनी रात को आई है, तेरे को इतनी छूट देता हूँ, इतनी रात रात तू दोस्तों के पास जाती है बर्थडे बर्थडे मनाने, इतनी रात को आई है, कुछ खाने पीने का पूछने का छोड़ के आके बरस पड़ रही है मेरे पे। अच्छा खाने पीने का पूछूं आपको? मैंने कुछ खाया नहीं है, आपसे पूछ के गई थी, ऐसे ही नहीं गई थी, सोचा कुछ लाई होगी खाने के लिए। जाए बात नहीं कर रही, मुझे है कोई तो जो मेरे दिल के करीब है, जो मेरे बेबी है, जानू है, सोना है, मोना है। अच्छा हाँ, कुछ प्रॉब्लम है तेरे को? तो मेरे से शादी क्यों की? हाँ जानू, बेबी, सोना, बाबू, हाँ तेरे से शादी करना मेरा है ना, बहुत बड़ी गलती थी। अच्छा हाँ गलती थी, सॉरी माफ कर दे, सुधारो सुधारो गलती। तेरे को बोल रहा हूँ मैं, वो मेरी फ्रेंड ऑटो करेक्शन में हुआ तो भी तू मान नहीं रही, क्या करूँ मैं? ऑटो करेक्शन ठीक नहीं कर सकते थे आप, खराब कर मार दूंगा अभी मैं, बार बार हाथ उठाएगी तो क्यों? बार बार हाथ क्यों उठा रही है? तो हाथ क्यों उठा रही है? गलती आपकी है, गलती तो गलती से हुआ, मैंने जानबूझ के नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया। तेरे फैमिली देख के कोई भी देख, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्या सोचेंगे, क्या सोचने दे, सोचने दे, जिसको सोचना होता कैसे भी सोच लेता है, जिसको है ना पता है मेरे बारे में ना, वो मेरे को फोन करके पूछेगा कि ऐसा क्यों किया है, उनको बताऊंगा कि ये गलती से हुआ है, लेकिन जिसको ना फालतू का सोचना, फालतू का ही सोचेंगे। अच्छा मैं भी फालतू का ही सोच रही हूँ क्या? मैं भी फालतू का ही सोच रही हूँ, क्या बीवी हो आपकी? तो क्या हुआ बीवी है तो पता नहीं चलना चाहिए मेरे को, क्या खिला रहे हो, कौन सी लड़की के फोटो डाल रहे हो स्टेटस पे, बीवी बीवी लिख के देख देख, तू आज बीवी लिखा है, कल बीवी लिखोगे, उसमें भी देर नहीं लगेगी, फिर बोलोगे वो भी ऑटो करेक्शन हो गया। देख पूजा फालतूगिरी मत कर, देख ऐसे मैं फालतूगिरी मैं नहीं कर रही हूँ, फालतूगिरी आप कर रहे हो, ये सब करना होता ना मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस रख के सबको दिखाता नहीं, समझ रही तू, सीधा उसको फोन करके जाके उसके घर पे जाके मिल के आता, उसको कहीं बगीचे में मिलने बुलाता। आपको थोड़ी बुलाएगी मिलने के लिए, वो देखा है अपना, हाल फिलहाल में ना तो उसका ब्रेकअप हुआ, तो ना उसका दर्द आपने पैचअप कर लिया, नहीं दर्द बांटने के लिए कोई चाहिए था तो मैंने उसको अपना कंधा दे दिया, दूसरा कोई नहीं मिलता क्या आपको, लड़कियां मिलती है क्या, भूल जाते हो शादीशुदा हो बेटी है, भूल जाते हो क्या? अरे तो बार बार याद दिलाना पड़ता है तो कभी कभी क्या गलती 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 कर रहे हो कब से, कभी कभी दिल बहल जाता है, बहल जाता है तो ऐसे मैं कभी कभी भूल जाता हूँ सच्ची में कि मैं शादीशुदा बच्ची, ऐसे इनोसेंट चेहरा देखते है देख के ना विश्वास नहीं होता है, यही तो इनोसेंट चेहरे देख के ना तो मैं भूल जाता हूँ, ब्यूटीफुल एकदम खिले हुए चेहरे देखता हूँ ना तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ कि मेरी शादी हुई है। अच्छा मेरा भी मुरझा गया है ना तो वही करोगे पता है, छोड़ो खाने के लिए बना, मैं नहीं बना रही हूँ कुछ, जाओ बेबी के पास खा लो ना, बेबी का बर्थडे, बेबी ने पार्टी नहीं दी है, बेबी ने पार्टी नहीं दी आपको, यार इतना मेहनत करके स्टेटस रखा, बीवी का मार खाया बट बेबी ने पार्टी नहीं दी, आज की पार्टी वो अपने फैमिली के साथ, कल मेरे लिए, कल अच्छा सुन, मजाक कर रहा था मैं, मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ बेबी भी नहीं है, जस्ट तेरे रिएक्शन देखना था इसलिए स्टेटस रखा, रिएक्शन के लिए स्टेटस रखा था रे पूजा, मजाक में सिर्फ वो स्टेटस तुझे इंक्लूड किया था मैं, बाकी किसी को दिखाया नहीं है, तो किसी को भी फोन करके पूछ ले सब बताएंगे कि मेरे को नहीं पता, नहीं देखा नहीं देखा, सिर्फ तुझे दिखाया है,
क्या जरूरत थी ये सब करने की? रिएक्शन देख रहा था। अरे तू कैसे रिएक्ट करती है, बहुत दिन हुए फटके खा के तेरे हाथ के। अच्छा? इसलिए इसलिए मजाक छोटा सा मजाक। चल चल अपन होटल जाते, तू खा के तो आई होगी। नहीं खायो, मैं के भाग के आई हूं। मैं खाता हूँ तो सुनते बैठ। अच्छा बस करना, अभी कितना मारेगी। निकल, दो मिनट आ रहा हूँ।